मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की मेरी ये कहानी काफी इंटरेस्टिंग है और ये किसी की जिंदगी की एक सच्ची दास्तान है जो मैं आप सबके सामने पेश करने जा रही हूँ। ये कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल की सभी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। चलिए दोस्तों अब आज की हमारी इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी रूही की है। रूही कहती है बात आज से करीब 3 साल पहले शुरू हुई। मैं एक लड़के से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं, वो भी मुझसे काफ़ी प्यार करता था और हम दोनों का रिलेशन काफ़ी अच्छा चल रहा था। हम दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, इतना मोहब्बत करते एक दूसरे को। मैं चाहती थी कि मेरी उसे शादी हो, शायद वो भी यही चाहता था। हम दोनों के रिलेशन में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन दिक्कत बस एक ही थी, उसकी दीदी। उसके घर वालों को हमारे बारे में पता नहीं था, लेकिन कहीं से उसकी दीदी को हमारे बारे में पता चल गया। उसकी दीदी हम दोनों का रिलेशन बिल्कुल नहीं चाहती थी। इसके लिए वो हमेशा बस कोशिश करती कि किसी तरह मेरा और उसका झगड़ा हो जाए। मुझे पता था वो सामने से तो ये बात नहीं कह पाती, क्योंकि अगर सामने से कहती तो मेरा बॉयफ्रेंड उसे डायरेक्ट बोल देता कि तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। इसीलिए वो हमेशा हम दोनों के बीच प्रॉब्लम लाने का कोशिश करती। मैं ये सब बात बहुत अच्छे से समझ रही थी, लेकिन मैं फिर भी चुप थी ये सोच कर कि कभी ना कभी ये सब कुछ सही हो जाएगा और फिर उसकी दीदी का तो शादी होगा ही, शादी के बाद तो सब कुछ नॉर्मल ही हो जाएगा। लेकिन बात कुछ गड़बड़ होने लगी। उसकी दीदी की उम्र तो हो गई थी, लेकिन उसकी दीदी की शादी नहीं हो रही थी, काफ़ी दिन हो गए। और ऐसे में मेरे घर वाले जिद करने लगे मेरी शादी के लिए। तो ऐसे में मैंने मेरे बॉयफ्रेंड से जिद किया कि चलो ना शादी कर लेते हैं। तो उसने कहा कि देखो बुरा मत मानना, लेकिन अभी मैं शादी नहीं कर सकता। दोस्तों उसे भी पता था कि अगर वो शादी नहीं करेगा तो हम दोनों का रिलेशन ख़राब हो जाएगा, लेकिन वो फिर भी शादी करने के लिए तैयार नहीं था। उसका कहना था कि उसके पहले दीदी का शादी हो जाए, फिर वो शादी करेगा। लेकिन इधर मेरे घर वाले बहुत जिद कर रहे थे। मुझे पता था कि मुझे कुछ ना कुछ फैसला लेना ही पड़ेगा। ऐसे ही करीब और 2 साल बीत गए। इन 2 साल में मेरे और उसमें कुछ दूरियाँ भी आ गई। बसा इतना था कि वो कामकाज में बिजी हो गया, मैं भी घर वालों की बातों पे आ गई। और फिर एक दिन अचानक से हम दोनों के बीच बहुत झगड़ा हुआ, घर वालों को लेकर। और इतना झगड़ा हुआ कि उसके बाद से हम दोनों की बातचीत बंद हो गई। बातचीत बंद होने के बाद हम दोनों एक दूसरे से काफ़ी दूरी आने के बाद बहुत झगड़ा होने लगा। इतना झगड़ा हुआ कि हम दोनों की लगभग बात नहीं हो के 6 महीने बीत गई। इन 6 महीने में मैंने उसे काफ़ी मिस किया। मुझे पता नहीं उसने मुझे मिस किया या नहीं, लेकिन इस 6 महीने के बाद हम दोनों अलग हो गए और फिर मेरी शादी हो गई। आज भी मुझे बहुत याद आती है वो, मैं उसे बहुत प्यार भी करता हूँ। लेकिन क्या करूँ, अब उसके घर वालों और हमारे घर वालों के बीच इस तरह की दूरी थी कि हम दोनों अलग हो गए। मेरी दूसरी कहीं शादी हो गई है। मेरे पति को अब भी उसके बारे में पता है सब कुछ, क्योंकि मैं झूठ बोल के मेरे पति से शादी नहीं करना चाहती थी। इस चीज़ से मेरे पति को कुछ दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि जो पास्ट है पास्ट है। लेकिन मुझे आज भी मेरा बॉयफ्रेंड काफ़ी याद आता है। मैं उसे बहुत पसंद करती थी, मैं नहीं चाहती थी मैं उसके लाइफ से दूर हो जाऊँ, लेकिन इस तरह से उसका दूर हो जाने बहुत बुरा लगता है। खैर इतना तो है कि प्यार सच्चा था। कभी कभी तो लोग एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और फिर शादी भी टूट जाती है। कम से कम शादी नहीं हुई तो प्यार तो है दोनों में। शायद उसे भी मेरी याद कभी ना कभी आती होगी।
दोस्तों, इस कहानी को आपसे शेयर करने का मतलब मेरा बस इतना था कि अक्सर दो प्यार करने वाले मिलते हैं और किसी रीज़न से वो अलग हो जाते हैं। भले ही वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाए, लेकिन उन दोनों के बीच प्यार कभी नहीं करता और वो दोनों ज़िंदगी में हमेशा साथ रहते हैं एक दूसरे के दिल में। बस दोस्तों, यही थी आज की कहानी। मुझे उम्मीद है आपको कहानी काफ़ी पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय।